फ्रेंड्स अभी हम लोग देखते हैं वायरल निमोनिया। फ्रेंड्स थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि वायरल निमोनिया के अटिपिकल निमोनिया में आता है, ठीक है। वायरल निमोनिया किस में आता है, इटोलॉजिकल फैक्टर्स हमने थोड़ी देर पहले देखे थे। वायरल निमोनिया अटिपिकल निमोनिया में आता है फ्रेंड्स, ठीक है। या वायरल निमोनिया अटिपिकल निमोनिया, हम लोग दरअसल उसको डायग्रामेटिक देख लेते हैं कि चेस्ट एक्सरे में कैसे दिखाई देता है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में फ्रेंड्स ये ऐसे हाइजीनस दिखाई देता है, मतलब क्या रहता है फ्रेंड्स, वायरल निमोनिया में ऐसे लंग्स में ऐसे हाइजीनस दिखाई देता है। जब ये हाइजीनस हमको चेस्ट एक्सरे में दिखता है तब ये वायरल निमोनिया डायग्नोस होता है फ्रेंड्स, ठीक है। या हाइजीनस के साथ साथ या हम लोगों को सिम्टम्स क्या देते हैं पेशेंट में, जो वायरल फीवर के वगैरह जो सिम्टम्स है, जनरल सिम्टम्स, ये भी इसमें दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स आर हेडेक रहता है, वहाँ पे जनरल एक रहता है, जनरल बॉडी पेन रहता है। बाद में जो प्रोस्ट्रेशन है, प्रोस्ट्रेशन मीन्स फ्रेंड्स पेशेंट कैसे एकदम किसी काम में उसकी इच्छा नहीं रहती, पेशेंट का मुंह एकदम लटका हुआ रहता है कायम, ठीक है। पेशेंट का मुंह लटका हुआ रहता है, किसी काम में इच्छा नहीं रहती, पेशेंट एकदम कैसे बोलते हैं उसको, निस्तेज बोलते हैं, ठीक है। पेशेंट ऐसे सिम्टम्स दिखाई देता है फ्रेंड्स। बाद में उसके साथ फीवर भी रहता है, इसलिए द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स आर हेडेक, जनरल एक्स मतलब बॉडी एक, एंड प्रोस्ट्रेशन एंड फीवर, ये प्रेजेंटिंग सिम्टम्स रहते हैं फ्रेंड्स वायरल निमोनिया के। बाद में इसके साथ साथ फ्रेंड्स उसके रेस्पिरेटरी साइंस कई बार दिखते हैं, कई बार नहीं दिखते, ठीक है। देर मे बी नो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और साइन एंड इज ऑफन डिस्कवर्ड वे रूटीन एक्सरे, रूटीन एक्सरे ऑफ द चेस्ट, ठीक है। हम लोग जब रूटीन एक्सरे करते हैं पेशेंट के सब सिम्टम्स देखने के बाद, उसमें पता चलता है कि फ्रेंड्स ये हाइजीनस की वजह से पेशेंट वायरल निमोनिया डायग्नोस होता है फ्रेंड्स, ठीक है। एक्सरे में चेंजेस दिखते हैं। द पैरोक्सिमल कफ, पैरोक्सिमल कफ रहता है, मतलब पेशेंट का एकदम सडन डेवलप होता है कफ, ठीक है, एकदम सडन कफ डेवलप होता है। उसके साथ साथ म्यूकॉइड स्पूटम भी रहता है, म्यूकॉइड उसको स्पूटम के साथ म्यूकॉइड स्पूटम रहता है। म्यूकॉइड मतलब क्या रहता है फ्रेंड्स, एकदम म्यूकस स्टिकी स्पूटम रहता है, उस टाइप का म्यूकॉइड स्पूटम रहता है, मे बी प्रेजेंट, ठीक है। ये प्रेजेंटली सिम्टम्स में आते हैं इसमें। लोकलाइज डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड्स, इसमें कई बार मैंने जैसे बताया था कि कई बार रेस्पिरेटरी सिम्टम्स दिखते हैं, कई बार नहीं दिखते, लेकिन कई बार क्या होता है फ्रेंड्स पैरोक्सिमल कफ भी रहता है, कई बार म्यूकॉइड स्पूटम भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसमें लोकलाइज डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड्स रहते हैं, जब हम लोग एग्जामिन करते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, अक्सर लोकलाइज डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड रहते हैं वहाँ पे, जो जिस पार्ट में वहाँ पे जो वायरल निमोनिया रहता है ना, तब डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड रहते हैं एंड स्कैटर्ड रेल्स भी दिखाई देते हैं, ठीक है। जब क्रेपिटेशन रेल्स जो दो पार्ट है ना, वो वहाँ पे स्कैटर्ड रेल्स भी दिखाई देते हैं, मे बी प्रेजेंट, ठीक है फ्रेंड्स। ये फाइंडिंग्स में आती है वायरल निमोनिया की, ये हो गया वायरल निमोनिया। अभी हम लोग फ्रेंड्स निमोनिया में इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करते हैं सबसे पहले देखेंगे। फ्रेंड्स निमोनिया में जो डायग्नोस्टिक टूल है ना, जब लोग निमोनिया में डायग्नोस्टिक टूल, जब सबसे मेन पार्ट जो है एक्सरे है, ठीक है। इसलिए हमें एक्सरे मालूम होना बहुत जरूरी है। मैं तो बता देता हूँ कि मैं अगले लेक्चर में बता देता हूँ कि